हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स वेलकम बाई क्लासेस वुड इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द डेंटिशियन इन मैमल फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेंटिशन द अरेजमेंट ऑफ टीथ इन द अपर एंड लोअर जा अरेजमेंट ऑफ टीथ का मतलब होता है दांतों की व्यवस्था अरेंजमेंट माने होता है व्यवस्था किसकी व्यवस्था दांतों की टीथ की दांतों की ऐसी व्यवस्था इसका मतलब होता है कि जो तीत होते हैं जो दांत होते हैं कैसे वह अपर जा लोअर जा एंड मेनली ऑन द प्री मैक्सिला दांत जो होते हैं कैसे ऊपरी जबड़े में कैसे निचले जबड़े में और कैसे वह प्री मैक्सिला मैक्सिला और डेंट्री बोन पे आए जाते हैं इसी को डेंटिसन के नाम से जाना जाता है सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द अपर एंड लोअर जा मेनली ऑन द प्री मैक्सी मैक्सिला एंड बोन इज कॉल डेंटिस आर टीथ्स आर डर्मल डेरिवेटिव ऑफ इंटेगुमेंट टीथ जो होते हैं डर्मल माने होता है त्वचा संबंधी डेरिवेटिव माने उत्पन्न होना इंटेगुमेंट माने होता है हार्ड लेयर, ऑफ़ द बॉडी आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी दैट इज नोन आज इंटेगुमेंट्स तो जो टीथ होते हैं दे आर डर्मल डेरिवेटिव ऑफ एंटेगोमेंट्स टीथ की जो उत्पत्ति होती है दैट इज फ्रॉम दैट डर्मल माने त्वचा संबंधी डेरिवेटिव माने उत्पन्न होना इंटेगोमेंट्स मीन्स होता है द आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज फाउंड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन एनिमल दैट इज नोन एंटेगुमेंट्स दीज आर हार्ड बोनी स्ट्रक्चर दांत जो होते हैं हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होते हैं मॉडिफाइड टू कैप्चर टीयर कट ग्रिंड फूड मटेरियल बिफोर स्वालोइंग। दांत जो होते हैं वह है सख्त बोन से बने हुए संरचना होती हैं जिन, जिनको जिनको मॉडिफाई किया जाता है रूपांतरित किया जाता है कैप्चर माने पकड़ने के लिए टीयर माने फाड़ने के लिए कट माने काटने के लिए ग्रिंड माने पीसने के लिए फूड मटेरियल माने भोज पदार्थों को बिफोर सॉलोइंग माने निगलने के पहले अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ दांत में पाए क्या क्या जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का जहां तक क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इज सिमिलर इन ऑल बर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर ऑफ टीथ माने जो दांत की संरचना होती है दैट इज सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इज सिमिलर इन ऑल द बर्टिब्रेट्स जो दांत की संरचना होती है वो सभी बर्टिब्रेट्स में समान होती है ए टिपिकल मैमिलियन टीथ इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू थ्री पार्ट्स जो विशिष्ट स्तनधारियों के दांत होते हैं वह तीन हिस्से में डिवाइड होते हैं फर्स्ट है क्राउन क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ क्राउन जो होता है किसी दांत का जो है दिखाई देने वाला हिस्सा होता है दूसरा है रूट दैट इज बेसल पार्ट आधार वाला हिस्सा होता है एम्बेडेड इन द साकेट ऑफ जाबोन जो जबड़े की हड्डी के अंदर पड़ा रहता है नेक है इट इज द एरिया ऑफ द इट इज द एरिया ऑफ द जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट नेक जो क्षेत्र होता है वह जंक्शन होता है क्राउन और रूट का आगे है पार्ट्स ऑफ द टीथ पार्ट्स ऑफ द टीथ बने होता है दांत के हिस्से मैमेरियन टीथ इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो मैमेरियन टीथ होते हैं वह निम्न संरचनात्मक घटक से मिलकर बनी होते है। किसे किसे बने होते हैं किसे किससे बने होते हैं ध्यान दीजिए नंबर वन फर्स्ट क्या है इनेमल माइमिलियन टीथ इज मेटअप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स जो स्तनधारियों के दांत होते हैं वो निम्न घटक से मिलकर बने होते हैं नंबर वन है इनेमल हार्डिस्ट सब हार्डिस्ट सब्सटेंस इन द माइमिलियन बॉडी यहां से बहुत सारे एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं हुई विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द मेमेलियन बॉडी सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द इनेमल, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द मेमेलियन बॉडी इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल या कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल से मिलकर बना होता है कवर्स द क्राउन ऑफ द टीथ जो दांत के क्राउन को कवर करते हैं या दाँत के क्राउन को घेरे रहता है आगे है नेक्स्ट डेंटाइन डेंटाइन क्या है इनर मटेरियल ऑफ टूथ मोस्टली कैल्शियम फॉसपीट ये दांत के अंदर का पदार्थ होता है खास करके कैल्शियम फॉसपीट बट अबाउट थर्टी थ्री परसेंट ऑर्गेनिक कम्पोनेंट्स लेकिन इसके अंदर 33 परसेंट ऑर्गेनिक कम्पोनेंट पाए जाते हैं इट मेक्स इट्स सॉफ्टर और इसी थर्टी ऑर्गेनिक परसेंट ऑर्गेनिक कम्पोनेट्स के कारण ही यह साफ्टर हो जाता है कोमल हो जाता है अगला है थर्ड थर्ड पार्ट सीमेंटम सीमेंटन सीमेंटम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द टीथ साफ्टर बाइंड साफ्टर होता है बाइंड टीथ टू द जा ये जो है ये जो दांत को जो है वो जबड़े से जोड़ने का काम करता है जैसा कि नाम ही है सीमेंटम वाले जोड़ने वाला तो साफ्टर होता है बाइंड टीथ टू द जा जो जबड़े जो दांत को जबड़े से जोड़ता है मेनी फार्म बहुत सारे स्वरूपों में क्राउन इन सम कॉम्प्लेक्स टीथ बहुत सारे स्वरूपों में साफ्टर होता है कोमल होता है यह टीथ को जबड़े से जोड़ जोड़ जोड़ता है बहुत सारे स्वरूपों में क्राउन इन सम कॉम्प्लेक्स टीथ और कुछ जटिल टीथों में ये क्राउन को भी जो है वो जा करके जबड़े से जोड़ता है आगे है पल्प पल्प क्या है अगर हम पल्प की बात करें द सॉफ्टर लाइनिंग द सॉफ्टर लिविंग इनर स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ यह एक बहुत कोमल जिंदा आंतरिक झिल्ली होती है टीथ की ब्लड बेसल एंड नर्व्स रन थ्रू द पल्प ऑफ द टीथ रक्त रक्तवाहिकाएँ नाड़ियाँ इसी पल्प के द्वारा जो होती है टीथ के अंदर जाती है अब हम दांत टीथ की एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं टीथ की किस संरचना हम आपको दिखाते हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हीयर द स्ट्रक्चर ऑफ़ द टीथ ठीक यहाँ पर दांत की संरचना हम दिखाते हैं इसी द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ़ द टीथ इफ यू आर गोइंग टू ऑबर्व दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हीयर यू कैन टू ऑब्जर्व दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ अगर हम दांत के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ हीयर यू कैन ऑब्जर्व हीयर बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए है मेमेलियन कैनाइन टीथ सबसे नीचे रूट है उसके बाद है फिर नेक है फिर क्राउन है दीजार ब्लड बेसल एंड हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं ये, ये पदार्थ सीमेंटम है जो चिपकाता है टीथ को जबड़े की हड्डी सी यह साकेट ऑफ जबन यह बेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आर पेरी डोंटल है यह है पल्प कैबी गम है डूप्लास्ट है डेंटाइन है और इनेबल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द वो है टीथ का पार्ट में देखें तो क्राउन नेक जाबोन रूट क्राउन नेक रूट और जाबून ये है बी एस ऑफ ए मेमिलियन कैनाइन टीथ और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर बी एस ऑफ ए ह्यूमन मोलर टीथ इसमें देखिए ये रूट है जो सबसे नीचे होता है उसके बाद ए नेक है और एक क्राउन है और अगर इसकी बात करें तो ये ये इनमल है हाँ देखिए इनेमल है ये डेंट्री है गम है जब है कनेक्टिव टिश्यू है सीमेंट है ब्लड प्रेशर एंड नर्व्स हैं प्रोटेविटी है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैमेलियन टीथ अब आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ टीथ दांत के प्रकार कितने होते हैं उनकी हम बात करेंगे नाउ लेटस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज दैट इज द टाइप ऑफ टीथ अब हम दांत के प्रकार की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज शेप और साइज के आधार पर टाइप ऑफ टीथ की बात करेंगे हम पहले ठीक है सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज देर आर टू टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इफ वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज से आर टू टाइप ऑफ द टीथ वन इज नोन एज होमोडंट अदर वन इज नोन एज हेट्रोडंट सेप साइज के आधार पर दो तरह के दांत होते हैं पहले को होमोडंट कहते हैं दूसरे को हेट्रोडंट कहते हैं माने इक्वल हुमोडंट इन बर्टिब्रेट्स इन अलग है है अलग है इन बर्टिब्रेट्स अदर दैन मैमल सभी कशेरुकों में अदर दैन मैमल का मतलब मैमल की अतिरिक्त या मैमल को छोड़ते हुए स्तनधारियों को छोड़ती हुई जितने अन्य कसरु पाए जाते हैं ऑल द टीथ प्रजेंट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज सभी जो दाँत पाए जाते हैं वह समान आकृति और आकार के होते हैं जैसा कि नाम से ही इंडिकेशन होता है होमोडंट होमोमीन्स होता है सिमिलर इन शेप एंड साइज ऐसे दांत जो आकृति और आकार में समान होते हैं उनको होमोडंट कहते हैं ये सभी वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं अदर देन मैमल केवल मैमल को छोड़कर दे आर सेड टू बी होमोडंट डेंटिशन इनको होमोडंट डेंटिशन के नाम से जाना जाता है और होमोडंट इसको होमोडेंट कहते हैं और आइसोडेंट कहते हैं एमंग मैमल स्तनधारियों में मोनली सरटेन स्तनधारियों में केवल सी जो ग्रुप होता है सी हैव होमोडेंट डेंटिशन दे, मैमल में केवल जो कुछ सी ग्रुप होते हैं जिसमें सीटेसिया में लार्ज फिश वगैरह आती हैं सार्क वगैरह आती हैं उसमें होमोडन डेंटिशन पाया जाता है इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोडंट टीथ की बात करते हैं नेक्स्ट बिल्डिटा हेट्रोडंट फर्स्ट हो गया होमोडंट सेकंड है heterodent. अगर हम हेट्रोडंट टीथ की बात करें हेट्रोडन टीथ मैमेलियन टीथ सारेक्टिकेक्ट्रिस्टिकली हेट्रोडंट स्तनधारियों के दांत होते हैं वह मैमेलियन टीथ आर करेक्टरिस्टिकली हेट्रोडंट्स मैमिलियंस टीथ का मतलब जो स्तनधारियों के दांत होते हैं करेक्टरिस्टिकली माने होता है लक्षण युक्त हेट्रोडंट माने होता है डिसिमिलर इन शेप एंड साइज स्तनधारियों के जो दांत होते हैं वह उनका ये लक्षण होता है कि वह हेट्रोडंट होते हैं हेट्रोडंट का मतलब होता है दे आर डिसिमिलर इन शेप एंड साइज उनकी आकृति और आकार जो होता है असमान होता है और इन फंक्शन भी और कार्य भी जो होता है वो डिफरेंट होता है कुल मिलाकर के हेट्रोडंट टीथ ऐसे होते हैं इसमें कई प्रकार के टीथ होते हैं उनके शेप अलग होंगे उनकी साइज़ अलग होगी उनके कार्य अलग होंगे द हेट्रोडंट डेंटिशन का मल्ली इनक्लूड्सो हेट्रो हेट्रोडेंट डेंटिशन के अंतर्गत मुख्यतः चार प्रकार के दांत आते हैं इंसीजर कैनाइन प्रीमूलर मोन मूलर द डिफ्रेंसिएशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फूड फूडिटेन तो हेट्रोडंट डेंटिशन कॉमनली इंक्लूड्स फोर टाइप काइंड ऑफ टीथ सच एज हैट्रोडंट डेंटिशन के अंतर्गत मुख्यतः चार तरह के दांत आते हैं इंसीजर कैनाइन प्रीमूलर और मूलर एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टीथ इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फूड फूडिटेन और जो तो दांत का डिफ्रेंशिएशन है इन सीजर होंगे कैनाइन होंगे प्री मूलर होंगे कि मूलर होंगे डिपेंड करता है कि आर्गेनिजम किस तरह का भोजन कर रहा है और किस तरह के दांतों एक्वायर किया है अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द टीथ बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द टीथ का मतलब होता है दांत जो होते हैं वो जो जबड़ा होता है जो साकेट होता है जा बोन होती है उससे कैसे जुड़े होते हैं जुड़ाव के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ एट दियर बेसिस ऑन द बेसिस माने आधार अटैचमेंट ऑफ टीथ माने होता है दांतों का जुड़ाव दांत जो होते हैं अपने बेस से कैसे जुड़े होते हैं अपने जबड़े की बोन से कैसे जुड़े होते हैं इस प्रकार से फॉलोइंग टाइप तो दांत जो होते हैं अपने आधार से कैसे जुड़े होते हैं या जबड़े की हड्डियों से कैसे जुड़े होते हैं इसके आधार पर दांत का जो वर्गीकरण है दांतों का जो वर्गीकरण है वो निम्नवत दिया जा रहा है पहला एक्रोडन टाइप एक्रोडन टाइप के टीथ क्या होते हैं इन दिस कंडीशन टीथ सारा टाइट टू द क्रिस्ट ऑफ जाबोन इसमें जो दांत होते हैं वे जबड़े के ऊपरी वाली सरफेस से जुड़े होते हैं और अटैच टू द फ्री सरफेस या अटैच टू द फ्री सरफेस या जो होते हैं जबड़े की जो हड्डियां होती हैं उसके उसके स्वतंत्र सतह से जुड़े होते हैं आर सबमिट माने होता है जबड़े के अंदर में जब उनके अंदर तो नहीं जाते हैं जबड़े की बोन के ऊपरी सरफेस से ही चिपके होते हैं सच टी सर लूज ईजली ऐसे टीथ जो होते हैं आसानी से गिर जाते हैं एंड आर रिप्लेस्ड बाई न्यू वंस और नए दांत जो है उगाते हैं या बन जाते हैं एक्रोटन टाइप जो होते हैं सिंपलेस्ट टाइप का टीथ अरेंजमेंट है एक्रोटन टाइप ऑफ टीथ का मतलब होता है ये ऐसे दांत होते हैं जो जबड़े के ऊपरी सतह से जुड़े होते हैं जबड़े की सतह से की ऊपरी सरफेस से ही चिपके होते हैं आसानी से टूट जाते हैं आसानी से गिर जाते हैं उनकी जगह पे नए दांत उगाते हैं फिशे एम्फीबियन एंड सम रेप्टाइल्स एम्फेबियन टीथ्स आर एक एंड होमोडन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर जो एम्फीबियन टीथ्स होते हैं वो एकडंट होते हैं और होमोडन टाइप के होते हैं केवल एक्सेप्ट द ट्यूरस को अगर छोड़ दिया जाए तो आगे है नेक्स्ट है है्यूरो टाइप हियर टीथ्स आर अटैच टू द इनर साइड ऑफ द जबोन यहाँ पर जो दांत होते हैं वह जबड़ों के जबड़े की हड्डियों के अंदर में जुड़े होते हैं द टूथ टचेज द बोन्स ओनली टू द आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स इसमें जो दांत होते हैं वे द टूथ टच द बोन्स यहाँ पर जो दांत होते हैं वो बोन्स को टच करते हैं ओनली द आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स यहाँ पर जो दांत होते हैं वे जबड़े की जो हड्डियाँ होती हैं उसके आउट यहाँ पर जो दांत होते हैं टच द बोन्स माने हड्डियों को छूते हैं ओनली द आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स जो जड़ें होती हैं उसकी आउटर सरफेस से ही स्पर्श करते हैं इन एक्रोडंट एंड प्लेरोडेंट टाइप ऑफ डेंटिशन कुल मिलाकर करके जो दांत होते हैं वे रूट के आउटर सरफेस से ही टच करते हैं और यह सिचुएशन एक्रोडंट प्लेरोडेंट टाइप के दांत में पाई जाती है देयर इज नो रूट एंड नर्व्स एकोडंट और पिलुरोडंट दोनों तरह के टाइप के दांत दोनों तरह के जो दांत के प्रकार होते हैं उनमें ना तो रूट्स होती हैं ना ही नर्व्स होती हैं एंड एंड ब्लड एंड ब्लड डू नॉट इंटर टू टू पल्प कैविटी और ब्लड जो होता है वह पल्प कैविटी में एंटर नहीं करता है एट द बेस मने आधार पर एग्जाम्पल है 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 एंड सम रेप्टाइल्स लिजर्ड्स अगला थीकोड दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज फाउंड डेंटिस मैमल्स इस तरह का जो डेंटिशन होता है वो मैमल में पाया जाता है इन दिस कंडीशन इसमें क्या होते हैं द टीथ आर लॉज्ड टीथ जो होते हैं लाज रहते हैं इन बोनी साकेट माने होता है अस्थियों के बने हुए साकेट में आप जो जो कि जबड़े की टीथ्सार लास्ट माने जो टीथ होते हैं वह रहते हैं बोनी माने होता है अस्थियों के बने हुए साकेट में आप बोन माने जबड़े की हड्डी में कैपले एंड नर्व सेंटर बोन इंटर और, और नर्व जो होती हैं जब बोन में एंटर करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट थीकोडन टाइप का जो अरेंजमेंट है वो मैमल में पाया जाता है खास करके स्तनधारियों में एक्सेप्ट मैमल्स मैमल को छोड़ करके दिकोटन तो टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन क्रोकोडाइल एंड सम एंडेसिस खास करके डेंटिसन तो मैमल में, में पाया जाता है लेकिन मैमल के अलावा थीकोडन टाइप का जो डेंटिशन होता है क्रोकोडाइल घड़ियाल में और कुछ मछलियों में पाया जाता है सक्सेसन ऑफ टीथ सक्सेसन माने होता है कितना सरवाइव करते हैं सक्सेसन का मतलब होता है परमानेंट परमानेंस और रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू तो दियर परमानेंस दांत अस्थाई है कि नहीं है अथवा रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कोई दांत जैसे मिल्क टीथ है टूट गया नया दांत उगाया उसको है तो कहते हैं रिप्लेसमेंट तो अकॉर्डिंग टू दियर परमानेंस आर रिप्लेसमेंट्स अकॉर्डिंग टू दियर परमानेंस आर रिप्लेसमेंट इसको हम सक्सेसन कहते हैं टीथ फॉल इन टू द थ्री कैटेगरीज दाँत को जो है तीन भागों में बांटा गया है पहला है मोनोफायोड दूसरा है डायोफायोड तीसरा है पालीफायोडेंट तो फर्स्ट है मोनोफायोडेंट मोनोफायोडेंट टीथ्स मोनोमान सिंगल ऐसे दांत जो एक बार जीवन में उगते हैं और उसके बाद अगर वो टूट गए तो फिर दोबारा जीवन में उगते नहीं हैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ आप लोगों को मोनोफायोडेंट का मतलब होता है सच काइंड ऑफ टीथ कोई चीज़ ओनली वन टाइम्स बॉर्न इन लाइफ पूरे जीवन काल में एक बार उगते हैं अगर वो टूट गए दोबारा नहीं निकलेंगे तो इसको कहते हैं मोनोफायोडेंट मोनोफायोडेंट टीथ अपीयर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं पाए जाते हैं एंड इफ दे फॉल अगर वह गिर गए दे आर नेवर अगेन रिप्लेस्ड बाई न्यू वन तो वे कभी भी दूसरे नए दांत के द्वारा रिप्लेस नहीं होंगे यानी उनकी जगह पर कोई दूसरा नया दांत कभी नहीं उगेगा टूथलेस एनिमल बहुत सारे जंतु जिनमें दांत नहीं पाए जाते हैं आप लोग देखते होंगे बहुत सारे एनिमल हैं जिनमें दांत ही नहीं दिखाई देते हैं जबड़े में उनमें कभी दांत रहे होंगे वो टूट गए होंगे और उनकी जगह पर कोई नया दांत उगा नहीं होगा कहीं कोई नया दांत नहीं निकला होगा इसीलिए इसको कहते हैं मोनोफायोड टूथले टूथलेस एनिमल्स है दिस काइंड ऑफ टीथ तो जो तो टूथलेस एनिमल होते हैं उनमें इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं एग्जाम्पल है प्लेटिपस मूल बने छुछुंदर साइरेनिया है सिटेसिया है ये सब आगे है डाइफाइवोडंट डाइफाइवोडंट क्या है डाईफायोडेंट डेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल डाइफायोडेंट का मतलब होता है कि ऐसे दांत जो जीवन में दो बार निकलते हैं जैसे मान लीजिए एक बार मिल्क जैसे मान लीजिए ह्यूमन में है तो ह्यूमन में एक बार मिल्क टीथ यानी दूध के दांत निकलते हैं कुछ दिन बाद वे टूट जाते हैं तो एक नए अस्थाई परमानेंट दांत निकलते हैं तो जो अस्थाई परमानेंट दांत निकलते हैं वो जीवन भर रहते हैं इसको आते हैं डाइफायोडेंट डायोफायोडेंट तो डेंटेशन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेमल यह का लक्षण है इन हुई मिल्क टीथ अपीयर्स इन यंग वंस जिसमें जो है दूध के दांत जो है यंग अवस्था में निकलते हैं बट एज दे ग्रो जैसे वे बढ़ते हैं एंड जब बिकम लार्जर और जबड़े जो होते हैं बड़े हो जाते हैं मिल्क टीज आर रिप्लेस बाई लार्जर परमानेंट वंस तो मिल्क टीज जो होते हैं वो तो टूट जाते हैं और उनकी जगह फिर बड़े बड़े अस्थाई दांत उग जाते हैं टू तो फिट इन द लार्जर जाबोन जो कि जबड़े की हड्डियों में जो अस्थाई दांत होते हैं वे बैठ जाते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं आगे है पालीफायोडेंट्स नेक्स्ट है पालीफायोडंट्स पालीफायोडंट्स क्या होते हैं पालीफायोडंट्स का मतलब ये होता है पालीफायोडंट डेंटिशन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ फ्रॉम टाइम टू टाइम पालीफायोडंट्स डेंटिशन ऐसा होता है जिसमें जो दांत होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं जैसे एक दांत टूटा एक बार टूटा फिर नया उग गई फिर टूटा फिर नया उग गया फिर टूटा फिर नया उग गया यानी बार बार टूटते हैं नए नए निकलते रहते हैं तो पॉलीफायोड डेंटिसन इनवाल्व्स इस तरह के डेंटिसन के अंतर्गत रिप्लेसमेंट टीथ फ्रॉम टाइम टू टाइम जो दांत होते हैं समय अनुसार सिवरल टाइम इन लाइफ टाइम पूरे जीवन काल में बारम्बार बार, बहुत बार दांत निकलते हैं टूटते हैं निकलते हैं टूटते हैं निकलते हैं सो so दैट जब बोन्स आर नेबर लेफ्ट विदाउट टीथ इस तरह से जो जबड़े की हड्डी होती है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दांत ना पाए जाए हमेशा दांत पाए जाते हैं क्योंकि कोई टूटा फिर नया निकला टूटा नया निकला तो इस तरह की कंडीशन को पालीफायोडन्ट्स कहते हैं इन मोस्ट ऑफ़ द लोअर वर्टिवेट्स ज़्यादातर जो लोअर वर्टिबेट्स होते हैं उसमें पालीफायोडेंट पाए जाते हैं आगे है काइंड ऑफ टीथ ज़्यादातर जो निम्न पर के होते हैं उनमें दांत टूटते रहते हैं निकलते रहते हैं दांत टूटते रहते हैं निकलते रहते हैं आगे है काइंड ऑफ टीथ काइंड ऑफ टीथ वेरिएशन ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर दांतों का प्रकार किसके आधार पर वेरिएशन माने विभिन्नता फॉर्म माने स्वरूप स्ट्रक्चर माने संरचना संरचना के स्वरूप के आधार पर दांतों का वर्गीकरण देर आर फोर टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन मैमल वेरिएशन ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के आधार पर चार तरह के दांत होते हैं इंसीजर कैनाइन प्रीमूलर और मूलर तो सबसे पहले है इंसीजर इंसीजर क्या होते हैं आपको बता दें पहले दांत एकदम जो सामने का टीथ है जो फ्रंट टीथ होता है एकदम आगे का एक दांत उसे कहते हैं इंसीजर फर्स्ट है इंसीजर दीज आर फ्रंट टीथ सामने वाले दांत होते हैं बार बाई द प्रीमैक्सी इनकी उत्पत्ति प्री से होती है इन द अपर जा एंड टिप्स ऑफ द डेंट्री इन द जा बोन और जो जाबोन की डेंट्री होती है उसके टिप्स पर पाए जाते हैं दे आर सिंगल रूटेड मोनोकस्पिड टीथ ये रूट वाले मोनोकस्पिड टीथ होते हैं लंबे होते हैं कर्ब होते हैं शार्प एड्ज होता है इनका नुकीला एड्ज माने किनारा होता है और दे आर एडाप्टेड माने अनुकूलित होते हैं फंक्शन है दांत का सीजिंग कटिंग एंड बाइटिंग ठीक है सीजिंग कटिंग एंड बाइटिंग आगे है कैनाइन कैनाइन आर प्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ द मेमल्स कैनाइन जो होते हैं ज़्यादातर मैमल में पाए जाते हैं कैनाइंस आर प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द मेमल्स कैनाइ टाइप के जो टीथ होते हैं ज़्यादातर अस्तनधारियों में पाए जाते हैं दे आर ऑलवेज दे ऑलवेज़ है कोनिकल पॉइंटेड इलांगेटेड सिंगल रूटेड क्राउन दे आलबेज है मैंने उनमें हमेशा क्वनिकल मैने त्रिकोणीय नुकीला और लंबा और एक रूट वाला क्राउन पाया जाता है एंड आर यूज फॉर पियरसिंग एंड स्टीरिंग ये सिंग उन्हें सुराख बनाना टीयरिंग माने फाड़ना इन कारणीपोरस एनिमल जितने भी मांसाहारी जंत होते हैं द कैनाइन टीथ एज्यूम ग्रेट फंक्शनल इम्पोर्टेंस जितने भी मांसाहारी जंत होते हैं जैसे मान लीजिए लायन है कैट है डॉग हैं इनमें जो कैनाइन टीथ होते हैं इनका काम फाड़ना होता है चीरना होता है तो जो कैनाइन टीथ होते हैं ए जूम मैंने ग्रहण कर लेते हैं ग्रेट फंक्शनल इम्पोर्टेंस तो जितने भी मांसाहारी जंत होते हैं उसमें कैनाइन दांत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल इम्पॉर्टेंस वहाँ पर हो पाया जाता है या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो कैनाइन टीथ होते हैं तो वे अपना बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त कर लेते हैं कैनाइंस आर अप्सेंट इन दर्वी बोर्स कैनाइन टीथ जो है शाकाहारी सम कैनाइन टीथ जो होते हैं कुछ शाकाहारी जन्तुओ में अप्सेंट होते हैं जैसे रोडेंट्स हैं रोडेंट्स मैंने कुतर कर खाने वाले जीव जैसे राइट्स हैं लेगोमार्फा है राइबिट में है अंगुलट्स जैसे आक्स बैल में है कुछ अंगुलट्स जैसे आक्स होते हैं लिविंग ए वाइड टूथलेस स्पेस कुछ अंगुलट्स जैसे बैल है उनमें बहुत ज़्यादा एक चौड़ा टूथलेस स्पेस पाया जाता है बहुत ज़्यादा दांतों के बीच में गैप पाया जाता है और जो गैप होता है उसमें कोई दांत नहीं पाया जाता है इस स्पेस को डायस्टिमा कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपटीशन में आप पूछा जाता है आगे है नंबर थर्ड सेक टीथ वो कहते हैं प्रीमोलर एंड मोलर प्री मूलर एंड मूलर कैनाइन सर फॉलोड बाई प्री मूलर फॉलोड बाई मूलर कैनाइन जो है वो अनुसुर करता है कैनाइन के बाद पाए जाते हैं प्री मूलर प्री मूलर के बाद पाया जाता है मोलर्स बोथ टाइप ऑफ टीथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड चीक टीथ दोनों प्रकार के दांत को सामूहिक रूप से चीक टीथ के नाम से जाना जाता है दियर क्राउन है ब्रॉड सरफेस इनके क्राउन जो होते हैं इनके क्राउन जो होते हैं उसमें बड़े सतह डियर क्राउन है ब्रॉड सरफेस। इस प्रकार के जो दांत होते हैं उनका क्राउन जो होता है उस पे बड़े ही डियर क्राउन है ब्रॉड सरफेस। उनकी क्राउन जो होते हैं है माने पाया जाता है ब्रॉड माने बृहद सरफेस माने सतह कुल मिलाकर करके ऐसे ऐसे दांत के जो क्राउन होते हैं उसकी सतह चौड़ी होती है, है। बिथ रिड्ज और जो किनारे होते हैं ट्यूबरकल्स होते हैं ट्यूबरकल्स माने होता है ट्यूबर माने काट टाइप के पाए जाते हैं मिंट फॉर क्रशिंग निचोड़ते हैं ग्रेंडिंग माने पीसते हैं एंड शिविंग माने चबाते हैं ठीक है आगे है प्रीमोलर यूजुअली हैविंग टू रूट्स प्रीमोलर जो में प्रीमोलर जो टीथ होते हैं उसमें सामान्यतः दो रूट्स होते हैं टू कस्प होते हैं एंड आर रिप्रेजेंटेड इन द मिल्क डेंटिशन और ये प्रदर्शित करते हैं मिल्क डेंटिसन मूलर्स क्या होते हैं जनरली है मोर देन टू रूट्स इसमें सामान्यतः दो से ज़्यादा रूट्स पाए जाते हैं एंड सेवरल कस बहुत सारे कस पाए जाते हैं एंड डू नॉट मिल्क हैस और ये मिल्क पिडेसियस का मतलब होता है ये दांत दूध के दांत के पहले नहीं पाए जाते हैं या उनके उनका रिप्रेजेंट नहीं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं माने पहले पाया जाना या तो इन हायर प्राइमेट्स या मैन लास्ट मूलर इज कॉल्ड बिजडम टीथ हायर प्राइमेट्स में खास करके मैमल में जो लास्ट मूलर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है अंतिम जो चवर्णक दांत होता उसको है उसको बिजडम टीथ कहते हैं आगे है डेंटल फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है डेंटल फार्मूला डेंटल फार्मूला इज एक्सप्रेस डेज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ द अपर्जा द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ माने होता है जो विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं उनकी संख्या इन वन हाफ ऑफ द अपर्जा इज रिटिन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ द अपरजा ऊपरी जबड़े कीकार के दांत होते हैं उनकी जो संख्या होती है ऊपरी जबड़े की में line, और लाइन जो लाइन के ऊपर लिखा जाता है द नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जा जबकि जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं लोअर जा बिलो द लाइन लाइन के नीचे लिखा जाता है इस तरह से डेंटल फार्मूला क्या कहेंगे फार्मूला डी बराबर ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ द अपर देखिए लाइन बीच में है बट इन नंबर ऑफ टीथ इन द सम हाफ ऑफ द लोअर जा जैसे उप इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर फिर लाइन के नीचे होगा इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर इंटू टू आई सी पी एम एम आई सी पी एम एम टू अब इसके कुछ डेंट हमदाद का वो बता देते हैं फार्मूला तो हो ही गया इसमें कुछ इसके आगे भी है जैसे ये है डेंटल फार्मूला है डेंटल तो फार्मूला आपको दिख रहा है टिपिकल मैमेरियन डेंटिशन इज फोर्टी फोर परमानेंट टिपिकल मैमेरियन डेंटिशन में चौवालिस दांत आते हैं जैसे इंसीजर तीन होंगे कैनाइन वन होंगे, प्रीमूलर चार होंगे मूलर तीन होंगे थ्री बाई थ्री वन बाई वन फोर बाई फोर फोर थ्री बाई थ्री इंटू टू इक्वल टू हो जाएंगे क्या फोर्टी फोर अब बहुत सारे दांत का डेंटल फार्मूला दिया गया है जैसे डाग का है थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर थ्री ऊपर वाला अपर जा है नीचे वाले लोअर जाए है टू टू कर देंगे तो हो जाएगा दांत की संख्या जैसे डाक में है तीन एक चार चार आठ दो तो दस तीन एक चार चार आठ तीन ग्यारह दस ग्यारह इक्कीस हो गए इक्कीस को दो से गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा फोर्टी टू राइट में थर्टी राइट में सिक्सटीन हार्स्पिक पिक मोल में फोर्टी फोर स्क्वायरल में ट्वेंटी टू काउसी गोट में थर्टी टू और मंकी में थर्टी टू ह्यूमन में आते हैं थर्टी टू आप कुछ दांत के स्ट्रक्चर्स हम आपको एक्सप्लेन बता देते हैं जैसे वैसे तो लगभग कंप्लीट हो गया है तो आपको जानना ज़रूरी है इसे ये देखिए दांत का स्ट्रक्चर जो है इसमें देखिए कैनाइन टीथ है कै नाइन टीथ है इसका रूट है क्राउन है अपर का नाइन टस्क है कै नाइन टीथ ऑफ कार्पुर जुगार ऑफ मेल मस्क डियर ऑफ वॉलरस अपर कै नाइन टीथ है क्राउन है रूट है ठीक है इसके अलावा जो है ये देखिए इसके अलावा कुछ यहाँ पे देखिए ये दांतों का प्रकार है ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया केवल यहाँ पर फिगर समझना है ये एक्रोडंट है प्लेरोडंट है थीकोड है एकोडंट जो होते हैं देखिए ये जान, ये जो होते हैं जबड़े की केवल ऊपरी सतह से लगे होते हैं देखिए टीथ है एकदम ऊपरी सरफेस से अटैच किए होते हैं प्लेरोडंट जो होते हैं थोड़ा अंदर तक अटैच होते हैं जो थीकोड होते हैं वो चले जाते हैं रूट के अंदर देखिए यहाँ रूट तक आ गई है रूट है दांत की तो एकोडंट का मतलब होता है द टीथ साथ अटैच ओनली द आउटर सर्फेस ऑफ द बोनी साकिट ल्यूरोडंट का मतलब व्हेन द टीथ आर अटैच टू द सम व्हाट इनर सरफेस ऑफ द बोनी सॉकेट एंड ठीकुडंट मींस व्हेन द टीथ आर अटैच्ड टू द रूट ऑफ द बोनी सॉकेट क्राउन है टीथ है देखिए यहाँ पर पूरा अरेंज हो जाए तो टाइप आ जाता है मैमल में खास करके इसके अलावा ये देखिए तो कुछ स्टफ्स का सेवर भी है यहां देखिए बाइर ये साफ्टिचोर मिचूर पर रोटेड दांत है इसका कोई मतलब नहीं है जो है एनेबल है डेंट्री है नैरो नैरोलोज है वाइड ओपनिंग है ठीक ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट द दिस इज द द ऑल अबाउट डेंटल फार्मूला हो गया तो इस तरह से आई होप दैट डेंटल फार्मूला भी बहुत बार पूछा जा सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द डेंटिशन डेंटिशन के बारे में डिटेल व्याख्या करिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है होमोडंट पे साइड नोट आ सकता है हेट्रोडंट पे आ सकता है थीकोड पे आ सकता है प्लुरोडंट पर आ सकता है मोनोफायोड क्या है डायोफायोड क्या है डेंटल फार्मूला पूछा जा सकता है तो क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ द क्वेश्चन में भी आस्क फ्राम द डीथ सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग द वीडियो थैंक यू चैनल को लाइक करते रहेगा सब्सक्राइब करते रहेगा और जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें सो थैंक्स टू यू वॉचिंग द वीडियो थैंक यू